हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शशि। वेलकम बैक टू आवर चैनल। शशि ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर पराठा रेसिपी। तो आइए बनाते हैं पनीर पराठा। पनीर पराठा के लिए सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बोल आटा लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फिर थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर वाटर डालकर हम अपना डो रेडी करेंगे। पानी एक बार में नहीं डालना है, थोड़े थोड़े से मात्रा में डालकर ही डो रेडी करना है। बहुत हार्ड या बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, इस तरह हम का हमारा आटा लगना चाहिए पराठे के लिए। अब हम इसे आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ देते हैं। तब तक हम अपने पनीर पराठा के लिए स्टफ़ रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर, नमक और कद्दूकस करके मैंने अदरक ले लिया है। यहाँ पे सिंपली मैं अपने पनीर को ग्रेट कर रही हूँ। आप हाथ यूज़ करके इसे क्रश भी कर सकते हो और ऐसे क्रश भी ग्रेट भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे मैं सारे मसालों को पनीर के अंदर मिक्स कर दूँगी। सारे मसाले मिक्स हो गए। अब हम पनीर को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करेंगे। इसके लिए स्पून का हेल्प लेते हुए अच्छे से चारों तरफ से पनीर को इसके साथ मिक्स करते हैं। चारों तरफ से घुमाते हुए अच्छे से हमारा स्टफ़ रेडी हो गया। अब हम आटे से एक पेड़ा लेते हैं, ऐसे हाथ से बीच में दबाते हुए इसके अंदर हम अपने पनीर का स्टफ़ 1 से 2 चम्मच डाल के अंदर प्रेस करते हुए पेड़ा को बंद करके इस तरह से रेडी करते हैं और अब इसे हम रोल करते हैं। मैंने पहले से यहाँ पे एक बना रखा है और ये दूसरा पराठा मैं बेल रही हूँ। पराठों की कितनी मोटाई और कितनी पतली होगी ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत लोगों को थोड़ी सी मोटी पराठे पसंद आते हैं और बहुत लोग थोड़े से पतले खाना पसंद करते हैं। तवे पे थोड़ा सा घी स्प्रेड करके हम पराठों को उसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ पे देख सकते हो पराठे पे अच्छी चीती आ गई है। मैंने एक बार इसे टर्न कर दिया है। अब इस पे थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे। दूसरे साइड भी अब हम चेक कर लेते हैं। तो दूसरे साइड से भी पराठे सीख गई है। दूसरे साइड में भी थोड़ा सा हम पराठे के ऊपर घी लगा लेंगे। दोनों साइड से हमारे पराठे बहुत अच्छे से सिक गया है, अच्छी चीती आ गई है। अब हम इसे अपना हमारा पराठा सर्व के लिए रेडी है।
तो आप भी अपने घर में पनीर पराठा बनाइए, खाइए और कमेंट में मुझे बताइए कि पराठे कैसे बनने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।